देश के सभी जिलों से स्टेट से पधारे गए सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले जो है राजस्थान के लोग जो है अपना हाथ खड़ा करें कि राजस्थान से कौन यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यूपी से कौन आए हुए हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, बिहार से कोई आए हैं उनका हाथ खड़ा करें, उड़ीसा से आए वो अपना हाथ खड़ा करें, वेस्ट बंगाल से जो आए वो अपना हाथ खड़ा करें, तमिलनाडु से जो आए हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, कर्नाटका से जो आए हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, सिंधी समाज से जो आए वो अपना हाथ खड़ा करें, महाराष्ट्र से जो आए हुए वो अपना हाथ खड़ा करें, केरला से जो आए हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, त्रिपुरा से जो आए हैं वो अपना हाथ खड़ा करें और बाकी सभी राज्यों से आए हुए सभी लोगों को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रयास से आप सभी के प्रयास से मेंबरशिप ड्राइव का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो गति इतने प्रयास के बाद में भी जो निष्कर्ष आया है कि प्रवासियों की संख्या हमारे आकलन के हिसाब से अभी तक 75,000 से ज्यादा नहीं हुई है और हमारा टारगेट जो दिया गया था हमें जो है पार्टी की रीढ़ की हड्डी बन के इस प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान कैसे दे राजनीतिक स्तर पर के माध्यम से हम इस प्रदेश की उन्नति का हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इस देश में स्थिर सरकार चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इस राज्य का संपूर्ण विकास चाहिए और हम अपने सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कोई पार्टी हमारे धर्म की रक्षा कर सकती है, हमारी संस्कृति की रक्षा कर सकती है, हमारी अपनी आत्मरक्षा कर सकती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक जहाँ 45 लाख की संख्या में प्रवासी यहाँ बसर करते हैं तो 45 लाख में हमारा टारगेट 5 लाख सदस्यों को जो है पार्टी के साथ जोड़ना है और पार्टी के साथ उन लोगों को जोड़ना है जिनकी विचारधारा पार्टी के साथ मिलती है। हम आपसे ये नहीं कहते कि पार्टी का झंडा लेके आप विरोध घूमे, लेकिन विचारों से लोगों को सहमत करवाए, विचारों से लोगों को पार्टी के साथ जोड़े, लोगों को ये समझाए कि आज के परिदृश्य में क्या करना है कि व्हाट्सएप का खेल अब काम नहीं आएगा। आपको राजनीतिक तौर पे जुझारू होना पड़ेगा, आपको राजनीतिक तौर पे जागृत होना पड़ेगा, आपको अपनी शक्ति का एहसास पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके दिखानी होगी कि तेलंगाना प्रांत में 45 लाख प्रवासी है तो 5 लाख प्रवासी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ पूरी तत्परता के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। तो जिस दिन आप 5 लाख की संख्या में पार्टी के साथ जुड़ेंगे पार्टी भी आपका मनोबल बढ़ाएगी, पार्टी भी आपकी रक्षा के लिए साथ रहेगी। जुझारू और लोकप्रिय जन लोकप्रिय नेता भाई किशन रेड्डी जी से कि वो आपको संबोधन डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी का आह्वान और
इलेक्शन जनता पार्टी में शामिल हुआ। इसके बाद 80 में फिर भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंधित लोगों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बनाए गए। 6 अप्रैल को स्थापना हुआ। जब से लेके आज तक हर 3 साल में एक बार सदस्यता होता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम से पोलिंग बूथ कैलकुलेटर, इसके बाद ब्लॉक वो मंडल वो मंडल कमिटी बनता है, इसके बाद जो बीजेपी सदस्य बनता है वही बैठकर पूरा जिला मिलकर प्रदेश का अध्यक्ष हो, पूरा प्रदेश मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं। ये लगातार 1980 से पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये लगातार एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से हमारा पार्टी अपना पार्टी चलते है। अपना पार्टी जो सदस्यता बनाने में भी